Chavi, que estás aquí, tan cerquita de mí. Y me hace falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer. Permita bailar hasta el amanecer. No quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte a mover. तो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीतम जो अपना न्यू ब्लॉग के साथ आ चुका है। तो गाइस मैं न्यू ब्लॉग शुरू करती है। तो गाइस आज का ब्लॉग अपनी दुकान में शूट कर रहा हूँ। देखो तो गाइस अभी समय हो चुका करेक्ट 9:30 और मैं जल्दी आ चुका हूँ दुकान। तो दुकान जमा देता हूँ आपको, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलो पहले दुकान जमा देता है। तो गाइस मैंने पूरी दुकान जमा ली है ना, मैंने अभी आपको बता देता हूँ। जब पूरी दुकान जमा ली थी उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस अभी हमने कुछ तस्वीरें मंगाई थी भगवान की दुकान पर रखने के लिए। तो कैसे निकली मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारे उज्जैन के महाकाल बाबा की तस्वीर है, फिर वहाँ कैसे निकली। अच्छा गाइस यहाँ बीच बीच में टूट गई है, आपको दिखाता हूँ। टूट गई है देखो, बीच बीच में से टूट गई। देखो गाइस तो गाइज अभी ये तस्वीर तो टूट चुकी है। एंड अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो ये भी टूट चुकी है, पूरी टूट चुकी है। तो गाइज ये कहा आपको दिखी है मुझे, तो पूरी टूट चुकी है। तो गाइज ऐसा ही रहता कि मैं अपना मोबाइल टूट जाता। तो गाइज ऐसा ही रहता है कि अपन को सामान मंगाते और वो कुछ सामान जैसे टूट जाता है। तो ये सामान ले जाओ नहीं क्या नुकसान कर दिया। तो गाइज चलो भी अपन चलते हैं मतलब घर का। तो देखिए देखा तो गाइज मैं घर है ना, मतलब सुबह कितनी दोपहर में 1 बजे आ चुका था घर। और बाबू ने काम मतलब पोटी कर दी थी, वो साफ कर रहा था। तो गाइज अभी तो समय 8:30 हो चुका है। एंड दिन का ब्लॉग में ना वो बाहर का ब्लॉग शूट क्यों नहीं किया उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। तो गाइज मैंने बाहर का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया कि आपको पता है मैं उज्जैन से व्यू करता हूँ। एंड उज्जैन में सावन का महीना चल रहा था, महाकालेश्वर मंदिर के वहाँ बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं मोबाइल निकालता बाहर तो वो गिर जाता, तो लग जाती मोबाइल को, वो टूट जाता, या फिर कोई और ले जाता हाथ में छीन कर, इसके लिए नुकसान हो जाता मेरा। इसके लिए मैंने मोबाइल बाहर नहीं निकाला। एंड उसके बाद मैं आया घर पे, उसके बाद मेरे बाबू ने काम पर आ दिया था और फिर कुछ मेहमान आ गए थे, फिर मैं दिन में सो गया था। तो बाबू ने पोटी कर दी थी, साफ कर पूरा घर वर धोया, उसके बाद भी मेहमान आ गए थे तो उनसे बातचीत करता रहा, देखते रहे, और फिर मैं सो गया। सो के मैं कितनी बजे सोचती, 4 बजे सोया था और 8:30 उठाऊ। तो मैं उठ के मैं पहले ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइज़ अभी दिन का ब्लॉग तो शूट नहीं कर रहा, तो ब्लॉग वो छोटा ही है, कुछ ना पर उसको बड़ा करेंगे गाइज़। तो अभी तो समय ही 8:30 हो गया और दिन में भी बहुत तेज़ पानी आ गया, पानी तो अब आ रहा गाइज़ पानी तो। एंड बहुत जगह तो बाढ़ भी आ गई है, पानी आ रहा है, बहुत भीड़ थी आज। और अभी भी मतलब मौसम बहुत काले काले ही हो रहा अभी भी, अभी मतलब शाम को पानी भी आएगा। एंड अभी मैं अभी दुकान नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बड़े भैया चले गए हैं अपने दुकान पे, इसके लिए मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ। एंड अभी ना मैं घर पे ही हूँ, तो आपको पूरा ब्लॉग बताऊँगा। अभी तो अभी तादी हुआ है, तो गई चल Thank you.
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. तो गाइज अभी आपने देखा बाहर को अब कितनी भीड़ हो रही थी, तो क्यों गाइज आज बता देता हूँ मैं भीड़ क्यों हो रही है। तो गाइज आज है सोमवार और सोमवार को यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि मैं उज्जैन में रहता हूँ। उज्जैन में महाकाल बाबा का मंदिर है, जो सावन चल रहा है तो सावन में सब आते हैं सोमवार को। तो आज इसके लिए मैं पैदल पैदल आया हूँ, साइकिल ना गाड़ी कुछ सही नहीं, पैदल पैदल आया हूँ। तो मैं सुबह 7 बजे उठ गया था एंड 8 बजे दुकान आ गया था। तो अभी मैंने दुकान तो जमा ली है, देख लीजिए आप पूरी। तो मैंने दुकान तो जमा ली है, अब बैठा हूँ इंतजार कर रहा हूँ मम्मी का। मम्मी बैठे हैं फिर दुकान पे, इसके अलावा मैं बैठा हूँ घर में पे। तो अभी कहते हो भीड़ भी बात, मौसम भी बहुत काला काला हो गया, पानी आएगा। ये तो बहुत ही आई नदी तेरी नदी। नदी बह गई नदी, पानी आ रहा है बहुत जोर का। Thank you.
तो हाय एवरीवन, अभी सही हो चुका है तो 7:30। तो गाइज़ अभी मैं जब मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया था कि पानी आ रहा है, तो गाइज़ आज सोमवार था तो भीड़ थी, तो मैं पैदल आया था, मैंने आपको बताया था। एंड तो मैं घर भी पैदल आ रहा था, तो गाइज़ पानी बहुत तेज़ हो गया था तो मैं गीला हो गया था। तो गाइज़ गीले में कब ब्लॉग बनाता है, इसके लिए पूरा गीला हो चुका था, तो इसके लिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर घर आके खाना खा के सो गया था, तो सोने के बाद उठा तो बहुत लेट उठा था, सुबह 6-7 बजे उठा था मैं, इसके लिए दिन में सो गया था। तो अब सो के उठ चुका हूँ एंड चाय वाय भी पी लिए, तैयार फ्रेश व्रेश पूरा तैयार हो चुका हूँ। एंड अभी अब आज का व्लॉग में यही एंड करते हैं अपन, तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऐसे व्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बने रहें हमारे ब्लॉग के चैनल पर प्रीतम जैन ब्लॉग। तो धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, बाय बाय टाटा। अब मैं अब तैयार होके दुकान जाऊँगा, क्योंकि अब तो अभी तो 7:30 बज गई है एंड अभी अब दुकान मंगल करना है ना, इसके लिए। तो चले चलते, बाय बाय।